गुड मॉर्निंग जैन साहब, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, बात सही है। और आज का स्टॉक मैं पहले नाम बता दूं, आरपीजी लाइफ साइंसेज, और ये स्टॉक मैं पांचवी बार जेम्स में दे रहा हूं, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, क्योंकि हर बार टारगेट बहुत इजीली अचीव हुए। और अभी हालांकि पिछले एक साल में मैंने इस स्टॉक को नहीं दिया है, इसलिए इस बार ला रहा हूं मैं, और तीसरा साल है जेम्स का, तो पांच बार आ रहा है, तो मतलब ये है कि स्टॉक में बहुत दम है और गजब का परफॉर्मेंस रहा है। और देखिए, आरपीजी ग्रुप का नाम लगते ही, और फिर ये पुरानी एक कंपनी थी सर्ल इंडिया, वहां से ये कंपनी निकली है। और ये देखिए, मैं अब कल की वो जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली में बात सही, आपकी कंप्लेंट सही है, जायज है अनिल जी। मैं 370 380 का टारगेट दिया था, और मैं इनफैक्ट 320-30 के लेवल्स पे शायद आइडेंटिफाई किया था, तो मुझे लगा 15-20% बहुत है, बट इतनी जल्दी टारगेट अचीव हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। और मुझे लगता है जिन्होंने लिया है वो होल्ड करके रखे, और आगे भी मुझे लगता है ये 400-425 के लेवल्स भी आराम से दिखाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस कंपनी में कॉर्पोरेट चेंज हुआ है और कंपनी के नंबर्स भी बेहतरीन है, तो जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा मूव कंपनी में आती है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को वापस से चुना था। और ये दूसरी बारी मैंने दिया था, पहले भी जैक्सन पॉल फार्मा दिया था, बहुत इजीली टारगेट अचीव हुआ था, और कल तो बहुत ही गजब था। तो आपकी कंप्लेंट जायज है, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा अनिल जी, छोटे टारगेट्स कम दूंगा, क्योंकि अब तो मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल बना हुआ है, तो और बढ़िया चलेंगे अभी तो। ना ना, अरे मैं तो ऐसा मजाक में कह रहा था, लेकिन एक ही दिन में टारगेट आ जाना ये बड़ी बात है। 335 से 370, 10% का बड़ा मूव कल जैक्सन पॉल में आया, और जिन लोगों ने खरीदा उनको जरूर फायदा होगा। जैन साहब, उसके लिए बधाई, स्वीकार करें आप, बहुत ही बढ़िया एक्शन कल उसमें देखने को मिला भी। आइए, धन्यवाद आपका। आइए बिगुल, आरपीजी के बारे में, आरपीजी बताया नहीं? नहीं बताया। अच्छा, मुझे लगा नाम ही काफी है। शॉर्ट में बताऊंगा जी, मैंने मेरी तो टॉक टाइप जो दूसरी चीजों में ले लिया, बट एक बार थोड़ा सा फंडामेंटल्स तो जरूर से बताना ही पड़ेगा कंपनी के बारे में। एक पुरानी कंपनी, देखिए मैंने सर्ल इंडिया बताया, और ये जीडी सर्ल यूएसए 1993 में विड्रॉ किया उन्होंने, और ये जॉइंट वेंचर 1968 में स्टार्ट हुआ था। आरपीजी फिर जब वो निकल गए तो आरपीजी लाइफ साइंसेज, और मुझे याद है कंपनी के बारे में उस टाइम भी, और करीब अच्छे खासे मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स है काफी एक्सेप्टेड है, और एपीआईज बनाते हैं, तो सारी बातें सब हमको पता ही है, क्योंकि फार्मा कंपनी का नाम आ गया साथ में। और कंपनी के फॉर्मुलेशंस, करीब डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस, एपीआईज, ये सारी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दो है कंपनी के, और इन्होंने एक अभी बायोटेक का एपीआई बिजनेस भी बेचा, उससे भी कुछ पैसा आया। अब मैं एक बात कहूंगा कि 31 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीरो डेट कंपनी, 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 1.1% की डिविडेंड यील्ड, और सबसे बढ़िया बात, बहुत ही अनोखा स्टॉक है इस बारे में कि 8 रुपए का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, शायद एकमात्र स्टॉक होगा ऐसा। और प्रॉफिट की जो कैगर पिछले 3 साल की रही है वो 68%, और पिछले 5 साल में भी देख दो कंसिस्टेंटली 30% से ग्रो की है। और मैं क्वार्टरली प्रॉफिट्स देख रहा था, तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स में कंपनी बैठी है, जो कि 20 करोड़ का पैट है, और पिछले सितंबर 2021 में 16 करोड़ का पैट था। सो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस में भी प्रॉफिट्स है 84 करोड़ के पैट पे, और डेट्स को एकदम रिड्यूस करके जीरो किया, हालांकि थोड़ा बहुत ही डेट्स था। और एफआईआई डीआईआई इसकी बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं है, बट पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स है, और प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग 73% शेयर होल्डिंग है। सो आई फील इस स्टॉक को लीजिए इन लेवल्स पे, और जो टारगेट है 1012 का इसने पहले दिखाया हुआ हाइज, वहां से करेक्ट हुआ, रिसेंटली 1012 के हाइज दिखा, और अभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है नीचे आके एक बार, मुझे लगता है कि आराम से वापस से अपने लेवल्स तो क्रॉस करेगा ही, बट 990 के टारगेट के लिए